पीएम मोदी की सुरक्षा कैसी होती है। इस वीडियो में मैं आपको पीएम मोदी की सुरक्षा जल, नभ और थल तीनों में कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है और ये एसपीजी कमांडो इतने तेज होते हैं कि पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। जब पीएम मोदी जमीन पे होते हैं तो उनका एक भारी भरकम काफिला उनके साथ चलता है। इस काफिले में 25 से अधिक कारें होती हैं। इसमें 2 आर्मर्ड कारें, 7 सेडान कारें और एक एम्बुलेंस भी होती है। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी पीएम के काफिले के साथ चलती है। काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं और प्रधानमंत्री की कार के बाईं और दाईं ओर 2 और गाड़ियां होती हैं। इस काफिले में 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर कारें सड़क के दोनों तरफ रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी तक डिफ्यूज करने का काम करती हैं। पीएम मोदी जिस कार में सफर करते हैं वो कारें बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ और मिसाइल प्रूफ होती हैं। इन कारों को आप एक चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं। जब पीएम गाड़ी से उतरकर जमीन पर चलते हैं तो उनके चारों तरफ सुरक्षा के 5 घेरे होते हैं। पहले सुरक्षा घेरे में एसपीजी के कमांडो होते हैं, दूसरे घेरे में पर्सनल गार्ड होते हैं, तीसरे घेरे में एनएसजी कमांडो होते हैं, चौथे घेरे में पैरा मिलिट्री फोर्स के बेस्ट कमांडो होते हैं और पांचवा घेरा स्थानीय पुलिस का होता है। बात करें एसपीजी की तो इस समय एसपीजी में 3000 से भी अधिक कमांडो हैं। ये एसपीजी कमांडो किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। ये एसपीजी कमांडो एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर्स और खतरनाक मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं। इनकी असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं। जब पीएम हवा में होते हैं तो वो या तो हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं या अपने विमान एयर इंडिया 1 से सफर करते हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो पीएम मोदी के सफर के लिए 2 तरह के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक है MI-8 हेलीकॉप्टर और दूसरा है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। ये दोनों हेलीकॉप्टर बहुत ही सिक्योर और खतरनाक हैं। पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर काफिले में 3 से 4 हेलीकॉप्टर होते हैं। पीएम मोदी के प्राइवेट जेट एयर इंडिया 1 की बात करें तो पीएम मोदी एयर इंडिया 1 का इस्तेमाल लंबी दूरी या विदेश यात्राओं के लिए करते हैं। एयर इंडिया 1 को बोइंग 777-300 विमान को अपग्रेड करके बनाया गया है। ये एक अभेद्य किले की तरह है। इस पे किसी भी मिसाइल या रॉकेट का कोई असर नहीं होता है। जब इस विमान पे कोई मिसाइल फायर की जाती है तो ये फ्लेयर छोड़ता है जिससे मिसाइल की दिशा भटक जाती है। साथ ही ये मिसाइल के सिग्नल को भी जाम कर देता है। जब ये विमान हवा में उड़ता है तो वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इसको एस्कॉर्ट करते हैं और पीएम का रास्ता खाली कराते हैं। अब बात करते हैं जल में पीएम मोदी की सिक्योरिटी के बारे में। वैसे तो पीएम मोदी देश में कहीं जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और कारों का इस्तेमाल करते हैं और विदेश जाने के लिए एयर इंडिया 1 का इस्तेमाल करते हैं। वे कभी भी कहीं जाने के लिए शिप्स से सी रूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी पीएम किसी नौसेना के शिप्स का उद्घाटन करने जाते हैं। इस स्थिति में भी उनकी सुरक्षा एसपीजी ही करती है। लेकिन अगर पीएम कभी किसी नौसेना के शिप्स पे जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट हमेशा तैयार रहती है। तो ऐसे होती है पीएम मोदी की सुरक्षा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।